जी नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर एजिथ्रोमाइसिन सॉल्ट के बारे में कि कौन कौन सी प्रॉब्लम में एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट यूज की जाती है, क्या इसकी सावधानियां हैं और क्या इसके साइड इफेक्ट है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं बहुत सारी मेडिसिन का रिव्यू आप तक पहुँचाता रहूँ। तो दोस्तों, एजिथ्रोमाइसिन एक मॉलिक्यूल्स का नाम है जो कि बहुत सारी ब्रांड में आता है, जैसे कि एजिथ्रा 500 mg या एजी 500 mg सिप्ला कंपनी आती है, और भी बहुत सारी मेडिसिन के ब्रांड नेम से में ये सॉल्ट मिल जाएगा आपको। बात करेंगे इसके यूज की कि कौन कौन सी प्रॉब्लम में एजिथ्रोमाइसिन 500 mg यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कहना चाहूँगा, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg टेबलेट का यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। सेल्फ यूज इस टेबलेट का आप कभी भी मत कीजिएगा। तो दोस्तों, एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट एक एंटीबायोटिक टेबलेट है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने में काम में ली जाती है, जैसे कि कान में होने वाले संक्रमण, नाक में होने वाले संक्रमण या गले में होने वाले टॉन्सिल, इसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं। फेफड़ों में होने वाला इन्फेक्शन, उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। और अगर कोई जैसे सांस लेने में दिक्कत हो या कफ की प्रॉब्लम है, और इसके साथ साथ निमोनिया की प्रॉब्लम है या टाइफाइड बुखार है, उसमें भी बहुत ज़्यादा डॉक्टर इसका रिकमेंडेड करते हैं यूज़ करने के लिए। और इसके साथ साथ कोई इचिंग प्रॉब्लम है, स्किन पे कोई खाज खुजली की प्रॉब्लम है, उसमें भी यूज कर सकते हैं, या कील मुहासे है चेहरे पर, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। बात करें इस टेबलेट के साइड इफेक्ट की, तो साइड इफेक्ट भी इस टेबलेट के कुछ हो सकते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन है, जैसे कि लाइट सरदर्द होना, कब्जे की प्रॉब्लम होना, पेट में गड़बड़ होना या उल्टी होना, ये कुछ साइड इफेक्ट है जो बहुत ही कम चांस में ही दिखाई देते हैं। डोज की बात करें तो दोस्तों, एजिथ्रोमाइसिन 500 यानी एजिथ्रा 500 टेबलेट की एक टेबलेट 24 घंटे में यूज कर सकते हैं अगर 250 mg है। हाँ दोस्तों, ये दो कैटेगरी में आती है, 250 mg और 500 mg। अगर 250 mg की टेबलेट है तो एक सुबह एक शाम यूज कर सकते हैं। 500 mg पर डे यूज की जाती है, इससे ज़्यादा यूज मत कीजिएगा इसका। बात करें इसके अल्टरनेट ब्रांड की, तो मार्केट में बहुत सारी अल्टरनेट ब्रांड भी आती है, जैसे कि एजी आती है 500 mg सिप्ला कंपनी की, एजीशिप आती है 500 mg सिप्ला कंपनी की, एटीएम 500 आती है, और एजिसाल 500 आती है वर्सल कंपनी की। ये कुछ प्रोडक्ट है जो आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं। बात करें इसकी सावधानियों के बारे में, तो दोस्तों, इस टेबलेट का यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। सेल्फ यूज आप इसका कभी मत कीजिएगा, और एल्कोहल के साथ इस टेबलेट का यूज आप मत कीजिएगा, एलर्जी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं इस टेबलेट का यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क कर ले, पहले डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस टेबलेट का यूज किया जाए प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में, और छोटे बच्चों के लिए ये टेबलेट सही नहीं है। तो दोस्तों, ये कुछ सावधानियां हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो इस टेबलेट से रिलेटेड कॉमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कौन सी मेडिसिन भी आप वीडियो देखना चाहते हैं वो कॉमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।